सो गाइज यहाँ पे हो रही है मेरी खजूर की चोटी। अब मेरे बालों में खजूर लगेंगे फिर सरिता उनको तोड़ तोड़ के खाएगी। बाल टूट रहे हैं। खड़े सरिता क्या? भुक्कड़ तो तू है। अच्छा भुक्कड़ तो तू है। कैसे? बस है, मुझे ऐसा लगता है कि तू भुक्कड़ है। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है जीवन में सरिता। सरिता क्या करूँ बता, मैं सो जाओ बस और कुछ मत करो। सो भी नहीं सकती आज, मेरे पास काम बहुत है। पतली या मोटी? मोटी कर दे। पतली तो मेरा फेस वो फेस तो पतला है और शरीर मोटा है, तो तू मिक्स कर दे। शरीर के हिसाब से बाल भी मोटा दिखना चाहिए ना? अरे अच्छा नहीं लगती ना फिर। ओके क्या कर रही है? ये सॉक्स पहन रही है। पहनने दे। इतनी ठंड लग रही है। अब देख पूरी सर्दियाँ आएंगी ना फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूंगी अगर इसने एक बार भी सॉक्स पहनेगी तो। और पूरी गर्मियाँ ये सॉक्स पहनती है, पता नहीं कैसा ही मैंने, मतलब मुझे लगता है कैसा अद्भुत बच्चा पैदा किया है मैंने। ये भी समझदार बच्चा पैदा किया। हाँ ये भी हर किसी में कला नहीं होती सरिता, मेरे अंदर तो कोई कला ही नहीं है। देखिए तेल है ना बालों में, तेल निकला नहीं है अभी ढंग से। चलो वैसे मुझे लगता है 90% ऑफ घर में ऐसे ही होता होगा कि एक सॉक्स किसी के पैर में कोई और, एक में कोई और। ये गुल्लू का नया स्टाइल है, पैर में एक में कोई और सॉक्स और एक आलस में के कोई मारे और। घर में हर लोग ऐसे कर लेते हैं आलस के मारे। नहीं शायद आपकी बेटी भी ऐसी कर नहीं आलस के मारे नहीं, पता है मोस्ट ऑफ द घर में क्या होता है, मुझे लगता है हर कोई हर साल सॉक्स खरीदता ही खरीदता होगा, खो ही जाती है सॉक्स। और देखो ये वहां से खा रही है मिट्टी। गुल्लू पापा हेलो। सोनो गुल्लू मार्केट नहीं जा रही है हमारे साथ, इसको कोई मतलब नहीं है। सो गाइस ये मेरी खजूरी चोटी जो है ये बन गई है और इसने मेरे इतने सारे बाल छोड़ दिए नीचे। लग गया ना मस्त, मैं पहनूंगी सूट ठीक है ना? अच्छी है। गुल्लू ने बहुत मचा दिया। गुल्लू को दे जा। गुल्लू को नहीं दे रही, आपने कहा ना कि ले जा जिसकी घर में काम करेगी वो, आप इसको खेलने दियो तो लेके जा रही हूँ मैं। गुल्लू बाय बाय। ये तैयार गिर जाएगी, ले ऊपर छोड़ के जा सरिता। अब मैं लेके जा, पागल है क्या? जल्दी आ, जल्दी लेके जा। सो हाय गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, मतलब रेडी हो रही हूँ। शाम के बज रहे हैं 7 और मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है मुझे और गुल्ला को। तो बस हम लोग मतलब उधर गुल्लू के जो है कपड़े निकाल दिए हैं, इधर गुल्लू मैडम जो है वो अपने जूते पहन रही है, पहले अभी सो के उठ गई थी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फाउंडेशन बहुत ज़्यादा हो गया जबकि मैंने इतना सा लिया था। आज मेरा फेस भी ना मुझे डल सा लग रहा है। लेट मी चेक, देखिए कितना काला है, यहाँ से लग रहे हैं ना धब्बे धब्बे, खुद को लग रहा है मुझे ना। चलो देखते हैं क्या करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलते हो। गाइस इधर हो चुका है गुल्लू मैडम रेडी। गुल्लू नमस्ते करो सबको, मत्ते। और इधर हो चुकी हूँ मैं रेडी, अपना सूट वूट पहन के, और ये गुल्लू का बैग ले लिया। और यार इतना पसीना, और ये देखो ऐसे देखो, दिख नहीं रहा? हाँ फोकस, ये देखो, ये देख रहे हो? ये पता नहीं मेरे फेस पे क्या हो गया, और यहाँ हुआ है जैसे बंसल जी को हुआ है ना, तो मुझे लग रहा है पता नहीं क्या हुआ है। अभी दिखाती हूँ किसी को कहाँ, यही मोटा हुआ भाई ये और ये। चलो चलो चलो। हाँ कौन इलाज कर रहा है? नहीं नहीं अपने आप लाइट हो गया। मैं कह रही हूँ डॉक्टर ने कहा था कि ना 5 ईयर्स के अंदर अंदर लाइट हो जाएगा, हो गया काफी हद तक। हाँ अब मर्ज हो जाएगा। हाँ लड़ाई नहीं, बच्चे लड़ाई नहीं,
और ये है हमारा बर्थडे बॉय, सबसे लंबा यही लग रहा है बच्चों में, लग रहा सबसे बड़ा है भी यही, सबसे बड़ा है ना। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम घर पे। हाय हाय। तो आते ही बस गुल्लू ने छींची कर रखी थी, तो आते ही बस गुल्लू की सफाई चल रही है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते। और बाकी आगे का क्या अपडेट है वो बताते हैं थोड़ी देर में फिर आपको। और क्या क्या खाया वहाँ पे? वहाँ पे हमने खाए छोले, शाही पनीर, अच्छा कढ़ाई पनीर था सॉरी, अच्छा और दही वल्ले के साथ था। बेटी का भी बर्थडे आ रहा है फिर। बेटी का तो नवरात्रों में ना सबका व्रत है, इस बार मेरी बेटी ने सबको व्रत करवाया, कह रहा माता रानी को मानो। वो तो वैसे ही मानते, तो अगली बार दे देगी, पिछली बार दिया था ना सबने खाया था ना, बस वैसे भी लोग खा के इतने मोटे हो रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे, उपवास करने के लिए बोला है इस बार बर्थडे पे। हाँ सेकेंड नवरात्र है, बस उपवास करो और बस ठीक है ना। गड़बड़ गिरी, यही गड़बड़ इधर गिरी हुई, ये मैडम जी अपना मेकअप उतार रही है, फिर जाना पड़ेगा जॉन के पास, फिर मेरे पैसे खर्च होते हैं यार। चीजों को एक रबड़ हो रही, संगवा के रखना सीखो सोने का, कब बड़ी होगी तुम, मेकअप ही नहीं, एक बच्चे की माँ हो गई हो। थैंक यू सोनू बताने के लिए कि मैं एक बच्चे की माँ हो गई हूँ। अब बताओ कि जितना थोपती हो उससे डबल तो उतारती हो तुम। मैं थोपती ही नहीं कभी भी, मेरा नेचुरल ब्यूटी है, ब्यूटी ये तो सारी डस्ट है। ये देखो ब्यूटी दिख रही है तुम्हारी, अब उतर रहा है ना। हाँ। अब ब्यूटी दिख रहा है, दिख रही है। हाँ अब कैसा लग रहा है मुझे, डर लग रहा है और क्या, देखने जा रहा है। ओ, सच बोल लो मैं तो। ये देखो मेरे को यहाँ पे ना एलर्जी हो गई, ये देखो ये चीज दोनों देखना, ये चीज देख रहे हो, ये चीज दोनों देखो, दोनों मोटी है सूच के, यही तो मैं कह रही हूँ। तो पिया कम करो ना। मैं पीती नहीं हूँ सोनो, आपको भी पानी नहीं पीती तुम, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, यही तो कह रही हूँ नहीं पीती पानी, तभी तो ऐसा हो रहा है। हाँ तो पानी पिया करो, ये मेरे को लग रहा है पानी पिया करो, ये भी सही कह रहे हो, वाटर की कमी हो गई है तुम्हारे अंदर, हवा ज्यादा आती जा रही है। बोलो क्या बोल रहे थे सबको, अब क्यों भाग रहे हो? तो गाइस पार्टी में से आ चुके हैं और आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए हैं, देखा आपने, मैंने मेकअप वेकअप जो है वो सब उतार लिया है और पार्टी में हमने बहुत मज़े किए। ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि बर्थडे था अभव का, और बस तारा भाई एक बेटे का बर्थडे था तो हमने खाया पिया मौज की मस्ती करी, तीन तीन सब्जियाँ बनी हुई थी। स्नैक्स के लिए उसने बाहर से किसी को बुला रखा था, कुक को, उसने चार पांच तरीके के स्नैक्स बना रखे थे जो कि बहुत ही मज़ेदार थे। बस इसी के साथ इस ब्लॉग की मैं यहीं पर एंडिंग कर रही हूँ, छोटी 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 क्लिप्स जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करी, और इसी के साथ गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, आप सभी के घर में गणपति बप्पा का आशीर्वाद बना रहे और गणपति बप्पा आप सभी की मनोकामना को जो है वो पूर्ण करे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। इसी के साथ देख लो गुल्लू मैडम को, जय जय कर दो जय जय गणपति बप्पा। गुल्लू भी कपड़े वपड़े सब चेंज करके रेडी हो चुकी है सोने के लिए, बोल रही है। गणपति बप्पा मोरया।